नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनेजर और आप देख रहे हैं ऑल ऑनलाइन मैनेजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि जो आधार XML फाइल होती है उसे डाउनलोड कैसे करें। आज मैं XML फाइल डाउनलोड करके बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने को सबसे पहले अपना मोबाइल लेना है, उसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च करना है UIDAI। सर्च करने के बाद में यहाँ पे अपने को सबसे पहली साइट दिखेगी UIDAI, तो इस पे क्लिक करते हैं। अपने को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है इंग्लिश। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे लास्ट में आ जाना है आधार सर्विस पे। आधार सर्विस, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपने आधार नंबर टाइप करना है, तो मैं आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मेरा आधार नंबर टाइप कर दिया है, तो OTP पे क्लिक करता हूँ। कैप्चा एक बार और टाइप करना है। OTP भी आ चुका है मेरे, तो OTP टाइप करता हूँ। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आ रहा है ऑफलाइन KYC, ऑफलाइन KYC, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपने को शेयर कोड ऐड करना है 4 डिजिट वाले, तो कर देता हूँ। और ध्यान रखें शेयर कोड से ही बाद में आपकी जो XML फाइल डाउनलोड होगी वो ओपन होगी, तो याद रखना आपको, ये नहीं कि डालते ही भूल जाओ, उसी को याद रखना है। तो डाउनलोड करते हैं, तो मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये डाउनलोड हो चुकी है, और अगर आपको भी करना है डाउनलोड तो इस प्रकार से आप अपनी XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन KYC करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।